कुछ वरदान आप मिल गया, क्या वरदान चाहिए? मेरे संतोष के लिए तो वरदान, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, प्रभु क्या मांगू? मेरा मन कर रहा है कुछ तो मांग ले। अच्छा तो ऐसा करो, आप ऐसा वरदान दो मेरे मन में मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। अब ये वरदान दे कि न दे, मेरे मन में मांगने की इच्छा ही। फिर व्यापार करना करता है, तुमसे प्यार किया है, प्यार करने के लिए कुछ पाने के लिए तुमने प्यार किया है, आप मिल गए। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी, और एक तू मिल गया दुनिया ना भी मिली। अच्छा प्रभु आप ऐसा करो, मेरे पिता ने आपके साथ बहुत द्वेष किया है, आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह करो मेरे पिता की दुर्गति के, आप उनके अपराधों को क्षमा कर दो, मैं पुत्र हूं, मैंने उनके अपराध सहन कर लिए, आपकी क्रोधाग्नि में वो दग्ध हुए हैं, उनका अकल्याण आंसू है, धन्य है। ये भक्त की पहचान है, अपकार करने वाले के प्रति भी ये उत्तम भावना, ये वैष्णव की पहचान। बस प्रहलाद तेरे पिता की क्या हो रहा, कुल एकत्र तारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जब वीर पराई, तेरी मात्र कुल की तेरे पेट कुल की सात पीढ़ी आगे की, और कई 21 पीढ़ी कहते हैं, सात सात और सात की, किसी की दुर्गति चिंता मत कर, प्रहलाद के आख्यान से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस कुल में पैदा हुए हैं। भगवान न जाति देखते हैं, न कुल देखते हैं, न रूप देखते हैं, न धन देखते हैं, भगवान तो केवल तुम्हारा प्रेम। परीक्षित जी को समाधान हुआ है राक्षस, इसके पश्चात गजेंद्र के मोक्ष की कथा आती है। ये गजेंद्र की कथा हमारी और आपकी कथा है, फिर भागवत को आप अपनी नेशन, उसके आगे पीछे की बात सब आप लोगों को मालूम है। ये मदोन्मत्त मन, अभिमानी मन, यही गजेंद्र है, अभिमानी जीव यही गजेंद्र है, मदोन्मत्त है, समझता है ये सब परिवार हमारा है, विनाश करने के लिए जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और मृत्यु भी बता वेरी हैप्पी डे टू मी, एक साल मेरे और नदी का गया, एक साल और नदी आ गया, तुम हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, कहते हो, और कार कहता है हैप्पी बर्थडे टू मी, एक बर्थडे हुई और नदी गया, एक बर्थडे और एक और नदी गया, तैयार है। संसार सागर है, गजेंद्र इसमें विनाश के लिए जाता है, मृत्यु जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित। हम भूल रहे हैं, मृत्यु ने पकड़ा है, गजेंद्र ने अपना दम लगाया, अपनी दम की जल्दी है। परिवारों का चिंता क्यों करते हो, तुम बीमार पड़े हो ना, बड़े से बड़ा डॉक्टर ले आऊंगा, इलाज कराऊंगा, थोड़े दिन तो सब इलाज करते हैं माय डियर, ज्यादा लंबी बीमारी हो जाए तो। मैं सुनाऊं कितनी पोलाइटली लोग हमसे कहते हैं, महाराज अब इनका कष्ट देखा नहीं जाता, कोई कोई भाग्यशाली है जो मनोयोग पूर्वक
अपने परिवार पति पत्नी एक हमारे हैं, इतने मन से अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, मैंने सोचा इनका कल्याण जरूर हो जाएगा, इतने मन से पत्नी की सेवा कर रहे हैं। देखिए ना, इसी तरह अभी एक अपने पति की सेवा इतने अच्छे ढंग से की, मैंने कहा भगवान की कृपा तो इनके ऊपर बरस ही गई, बना बिना भगवान की कृपा से कोई इस तरह सेवा कर ही नहीं सकता, अच्छे अच्छे उठ जाते हैं। और बाकी देखे महाराज अब इनका कष्ट देखा नहीं जाता है, अब भगवान इनको उठाने, उसका रियल मीनिंग क्या जानते हो? अब किसी तरह ये मुसीबत हमारे गले से कटे तो अच्छा। घर वाले सोचते हैं कि अब ये जिनके लिए न जाने कौन कौन से पाप नहीं किए, वही सोचते हैं कि अब ये अब तो काम बन गया, अब जाओ अपने घर। पहले सारी हाथियां चलिए उन्हें जोर लगाया छुड़ाएंगे, और जब नहीं हुआ है डूबने लगा तब तो डूब ही रहा है, इसके साथ अपने क्या डूबे, वो सब छोड़ के चले गए। सब छोड़ देंगे माय डियर, देख लेना, अगर काम आएगा तो वो आएगा या फिर उसके प्रियजन का, पूजन के कर्मों के कारण बुद्धि सुधरी है, इतनी सूढ़ रह गई सुनते हैं तो तब उसको होश है। इसलिए आप लोग घबराना मत, आपके तभी इतनी सूढ़ बाकी है, किसी में पूरी बॉडी बाकी है, घबराना मत। गजेंद्र का कथा सुन करके कमल का पुत्र उठा करके भगवान को बुलाया, इतनी सूढ़ रह गई तो डूबने जा रहा है, द्रौपदी वाली हालत है, वहां नंगी हो रही थी, मर रहा है। आप लोगों को मालूम है भगवान दौड़े दौड़े आए, रूप छोड़ नंगे ही खड़ा होने पहले टाइम मिला, ग्रह का उद्धार हुआ है, गजेंद्र का कल्याण हुआ है। यहां संत लोग एक कथा सुनाते हैं कि जब ग्रह का कल्याण हुआ, उसका तेज भगवान के चेहरे में मिल गया, गजेंद्र बाहर आकर के मुंह बुला खड़ा हो गया, भगवान रेडियो के खड़े भगवान स्तुति करेगा, हम इसकी रक्षा क्यों? गजेंद्र उधर कौन सी भी शायद हाथियों में ऐसे ही होता होगा, पीठ इधर करके और देखो कुछ बोल नहीं जा, देखा मुंह फूला सा है, तो भगवान सामने गए, हाथियों घूम गया इधर घूम गया, क्या मामला है? गजेंद्र तो नाराज हो क्या? क्या नहीं थी, क्यों नाराज हो? अरे मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए बैकुंठ से चला आ रहा हूं और तुम हमसे बात ही नहीं कर, झूठ बोल रहे हो। भगवान को अब से पहले झूठा किसी ने नहीं कहा, कृष्ण जन्म में झूठा कहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले तो कोई नहीं कहा, मैं और झूठा और क्या? अरे मैं तुम्हारे उद्धार मेरे उद्धार के लिए फिर झूठ बोल रहे हो, मेरे उद्धार के मैं तो हाथी का हाथी, और मेरे देखते देखते मेरे दुश्मन का तुमने उद्धार कर दिया। भगवान का मामला पकड़वाया, ये तो हाथी बना खड़ा है और ग्रह की ज्योति हमें मिल गई, भगवान है बड़े चलो। गजेंद्र सुनो, क्या सुने? प्यास सुना नहीं था क्या? मैं तो आया था इसकी गजेंद्र को जड़ा जड़ा कर नरक में पूछूंगा, नया नरक बनाऊंगा, कुंभी पाप वगैरह इसके काम के नहीं है, वो तो मैं देख रहा हूं, मैं इसको नरक में सड़ा देता, लेकिन यहां आया तो सब मामला बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? मैंने देखा इसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे मुंह से, जो हमारे भक्त के चरण शरण में आ गया उसका तो मुझे उद्धार करना है। गजेंद्र स्तुति जो संकट में पड़े उनके मोक्ष के लिए, वैसे सबसे बड़ा संकट तो को देर होगा भाव हो सा। अद्भुत बात उसमें एक एक शब्द कह के आगे बढ़ेंगे,
चैतात अशिक्षा। निवृत्त शेषा चैतात अशिक्षा, निषेध शेषा चैत, जो निषेध से शेष बचता है। नेति नेति भी मैं कहते हैं, जैसे इतनी बड़ी सभा हो और कोई लड़की, ये पहले कर, अब आजकल की लड़की नहीं जो सीधे कहते द नेम ऑफ माई हस्बैंड इज फलाना, नहीं, पहले जमाने की जो पति के सामने ऐसे शर्मा। एक बार हम पहाड़ में गए थे भिक्षा मारने के, ऊपर चढ़ते थे, शर्माने के बाद आप लोग जरा उल्टी तरह मत समझ लेना, तो वहाँ पहाड़ में छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती है, एक 5-6 वर्ष की लड़की की शादी हो गई थी 10-11 साल के बच्चे के लिए। हम वहाँ बैठे थे चाय की दुकान पर, चाय नहीं थी, रोटी आने वाली थी, और वो लड़की खड़ी हुई वहाँ पर फ्रॉक पहने हुए। तो पहाड़ों पे उस समय तक ये हमारे बाबा साहब कहते, क्लास 5 तक मैं पढ़ता था तो मैं केवल कमीज पहनता था, नीचे एयर कंडीशन ही रहता था, फ्रॉक उठा करके और उठाए नहीं, वो घटना हमको अब तक, अब क्या करें, कहा से बच्चा कर दो भटवारी के ऊपर के गांव की बात, हरे राम हरे राम राम राम। तो वो शर्मीली वाली आपकी बात नहीं, ही इज माई हस्बैंड, तो ऐसा नहीं, तो सहजपति क्यों, ये तेरा हस्बैंड है, नो ये नो दिस नो, ये सबको मना कर दिया, तो क्या ये है, केवल सिर झुका लिया, तो सीता जी ने किया नहीं था। बनो जब गांव वाली पूछती हैं ये तुम्हारे कौन है, तो ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, देवर हैं, और ये ऐसे पल्लू करके शर्मा करके तिरछी दे करके, और तब बताया सैनल इशारे से कि मेरे, तो जैसे संलक्षणा, अब संलक्षणा कैसे कहूँ भाई, जवान पहले ओल्ड टाइमर्स की बात कह रहा हूँ, कि जैसे अपने पति का इशारा से इंगति करती हैं, निषेध शेषा जय तो ऋषेव शेष सबसे नीत नीत करके जो परमात्मा है वो मेरी रक्षा करें, ऐसा गजेंद्र की कथा ही है। फिर इसके बाद अमृत मंथन की कथा है, अमृत मंथन माने क्या है, ये हृदय का मंथन ही करना है, अमृत इसी में है, लेकिन इसका मंथन करोगे तो पहले विष मिलेगा। आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां सब हमारे अंदर हैं, उन दोनों का आश्रय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिलजुल के करो, पहले विष निकला फिर विलास की सामग्री निकली, अंत में अमृत निकला। परम अमृत माने क्या है, वो परम अमृत माने परम तत्व है, जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। अमृत मंथन की कथा देवताओं और दानियों की तो है, लेकिन वस्तुतः अपने मनोमंथन विचार मंथन, श्रवण करने के बाद मनन करोगे, उस मंथन से, मनन के मंथन से जो तत्व निकलेगा वो अमृत है, और वो अमृत तुमको अमर कर देगा, माने जन्म मरण के चक्कर से। ये अमृत तो देवता लोग पीते हैं और छीणे पुण्य मर्द लोग के विषंति, लेकिन ये अमृत तुमको परम मोक्ष प्रदान करेगा। इसके बाद राजा बलि की कथा आती है। राजा जब बलि को भार्गव गोत्र के ब्राह्मणों ने और अपने मंत्रों के बल से इतने अद्भुत अद्भुत सामग्री रथ अस्त्र शस्त्र दे दिए कि जिनके कारण वो इंद्र को हरा गए, और इंद्र हार करके जंगल का मार्ग ढूंढे, और तब बलि राजा हो गए। कश्यप जी की विचार की बड़ी, दो बीवियां है ना, वो पहले दिन कथा सुनाई थी, जब दैत्य हारते हैं तो दिति, और जब आदित्य देवता हारते हैं तो अदिति, करो कल्याण। तो बलि के द्वारा पराजित देवताओं के इंद्र के कल्याण के लिए
अदिति ने प्रार्थना की है, कश्यप जी ने उन पयोव्रत का उपदेश दिया है जो अपने उत्सव के समय किया जाता है। तो उस पयोव्रत के फल से और से ही वामन भगवान पैदा हो गए। वामन भगवान पैदा होकर माता से पूछते क्या करना है, तो वो आप लोग सब कथा मालूम है कि कैसे बलि के यहाँ गए और बलि के यहाँ जा करके और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हमको इतने बड़े यज्ञ में आए हैं तो हमको तपस्या करनी है, हमको भजन करने की जगह चाहिए, एकांत में कुटिया बनाएंगे। तो कहाँ कुटिया बनाओगे, नहीं आप जगह दे दो, हमको 3 पैर धरती चाहिए बस, हम बड़े संतुष्ट। बड़ी चापलूसी की है बलि कि वामन भगवान ने, अरे वामन बलि तुम्हारे बाप दादा बड़े उदार हुए हैं, माने वो उदार हुए हैं तो तुम भी मांगने जाओ, ये करना पड़ता है। उदारता के हम तुम्हारे क्या बात कहें, आपने हमको 3 पद धरती क्या कितनी ही धरती देने का वचन दिया है, ये तुम्हारे लिए शोभा देता है। तुम्हारे पितामह प्रहलाद ने तो अपने पुत्र के विरुद्ध न्याय दे दिया था, इसके मृत्यु हो जाए, लेकिन सही बात कहता हूं। तुम्हारे प्रपितामह हिरण्यकश्यपु के आगे तो भगवान डर के मारे भाग गए। तुम्हारे पिता विरोचन ने जानते हुए भी कि उनसे शत्रुता रखने वाला देवता ब्राह्मण वेश में आया है, लेकिन मांगने पे अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया, ऐसे दानियों के वंश में पैदा हुए। अरे तुम दिखते तो बड़े छोटे हो, बाप दादों की हमारे बातें कर रहे हो, हमारी डाली पेट में था। इस तरह का देखो, किसी के यहां मांगने जाओ तो सन्नाटक करने पड़ते, क्या चाहिए 3 पत्थर शुक्राचार्य पहचान मध्यो विष्णु है, अगर विष्णु है तो मैं जरूर तुम कह दिया तो दूंगा। फिर आप लोगों को मालूम है कि कैसे थे, तो 52 अंगुल तो कितने बड़े हो गए, 2 पैर में सब नाप लिया, 3रा पैर 12 छोटे। ये भगवान क्रूर नहीं है, ये आप समझो। ये 3 पैर मांगने का मतलब क्या है समझते हैं, इसको ये कथा सुनाकर फिर हम आगे बढ़ते। ये आज हम लोग बलिदान करते हैं, ये बलिदान करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, सबका मतलब क्या है? बलिदान का मतलब समझ लो तो राजा बलि की और वामन की कथा समझ में आ गई। हम लोग जितने भी कर्म करते हैं या तो इहलोक के हैं या पर, जो भी हम कर्म करें, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पण, सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं। भगवान श्री कृष्ण जिनके अवतार में जल्दी हो जाए, राजाओं की कथा न सुनने में आप इंटरेस्टेड हो और न मैं उनकी कथा में इंटरेस्टेड हूं, नाम ले दें बस ये हो जाए और फिर नवम तो फिर नवम। इहलोक का जो है वो भगवान को दे दो सब संपत्ति, ये 1 पैर। दूसरा पैर उस लोक की जो संपत्ति है वो भी भगवान को दे। तो इहलोक और परलोक ये तो भगवान को दे दिया, लेकिन अभी दाता का अभिमान मैंने दिया है, ये अभिमान बाकी। भगवान ये अभिमान भी लेना चाहते हैं, छीनेंगे नहीं, जब तुम दोगे तब। हमारे उपनिषद में आता है अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करो
और ज्ञान को भी, ज्ञान भी बंधन हो जाता है। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल लो, कांटा निकल जाने के बाद जिससे कांटा निकाला है उसको ये न त्यजसी तेन त्यज, उसको छोड़। तो देने का अभिमान, कई लोग देते तो बहुत हैं लेकिन अभिमान रख करके देते हैं, उनका देना गुड़ गोबर हो जाता है। न देने से देना अच्छा है लेकिन वो अभिमान क्या करेगा। आपको जड़ भरत की कथा याद करो, मैंने इस हिरण की रक्षा की, मैंने अस्पताल बनवाया, मैंने भंडारा किया, मैंने ये आयोजन किया। अरे मैंने क्या किया, प्रभु तुमने सामर्थ्य दी, तुमने चार चांदी के टुकड़े हमको दिए, उसी में से एक टुकड़ा मैंने तुम्हारी सेवा के लिए लगा दिया, उसमें मेरा क्या अभिमान। ये तो तेरी कृपा है जो तूने करवा दी। एक बात, कोई एक आयोजन हो रहा था, एक व्यक्ति ने कह दिया, हमने कहा कि नहीं, कर मारा जी को स्वीकार। फिर उसने कहा मेरा कितना बड़ा भाग्य है जो आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब चाहे कितने जने आए इस बात को कहने के लिए, क्या आप स्वीकार करोगे। आपने स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा की, वरना कोई दूसरा चांस ले जाता, मेरा नंबर कहां था। मैंने कहा ये बनी है। तीसरा चरण आपका मेरे सिर पे रख दो। सिर माने अभिमान, मेरा इस लोक के दाता पने का अभिमान, मेरे उस लोक के दाता पने का अभिमान आपके चरणों में अर्पित है। ये जो बलि में नारियल फोड़ते हैं ना, दो आंखें और मुंह, ये अभिमान का बलि है। हम अपने दाता पने का अभिमान भी, जो इस तरह से पहले मिटाओ अपनी हस्ती तो भगवान फिर उसके यहां जाकर के क्या बने, चौकीदार बने। जिस दरवाजे से तुम निकलोगे वहां मैं गेटमैन के रूप में मिलूंगा, सलाम। कई लोग कह रहे बलि को बांधने गए थे, अरे बलि को तो 10 मिनट बांधा, बांधन गए बधाए आपे। तुम कौन है हरी, तुमने कौन सी समझदारी की, बलि को बांधने गए थे, अरे खुद बंध गए। ये भगवान की रीति है, बलि का आख्यान हम लोगों को अपने जीवन में अभिमान मुक्त करने का पथ दिखाए। तब हमने राजा बलि की कथा हमने सुनी है, अब इसके पश्चात च्यवन ऋषि की, शरियाती के और अश्विनी कुमारों की कथा हम लोग सुनते हैं। सुकन्या के साथ उनका विवाह हुआ है, इसी वंश में नाभाग हुए। नाभाग पढ़ने के लिए जब गए तो भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी बांट दी, लौट के मेरी क्या प्रॉपर्टी, तो बूढ़ा बाप तेरे लिए कर जाके सेवा, प्रॉपर्टी हमारी, ये अभी नहीं पहले के भी होता रहा है। तेरे का ठीक है, तुमने बाप दिया ना, मैं कृतार्थ हूं। पिता को ले गए, पिता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनको कुछ क्रिया में कठिनाई पड़ती है, तुम बताया जा करके। उनको दान देने लग गए, ये जो बच्चा है तुम ले जाओ। उसने आके नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है, सब निर्णय कर लिया है, ये रुद्र का भाग ही है, उनके पिता ने भी कह दिया। तो रुद्र प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर कृपा हुई, उन्हीं के मनोवंश में एक राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश की कथा भी आपको, एकादशी का व्रत, दुर्वासा उनकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए आचमन उनको भोजन के पहले, पारण करने के पहले संत खिलाने का अवसर मिला, नहा धो के आता हूँ। दुर्वासा जी, बाबा लोग नहाने चले जाए तो फिर, अब हम ही से पूछो, नहाने चले गए तो कोई होश रहता है, नहा रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा धो रहे हैं,
हस्तहरी कर रहे हैं और उसका बेचारे का टाइम निकला जा रहा है। लोगन का ठाकुर जी का चरणा मत कर लो, ये अशितम नाशितम दोनों, नाश्ता माने क्या होता है, अशितम और नाशितम उसी से नाश्ता। दुर्वासा लिया है, क्रोधित हुए, प्रत्या उत्पन्न की है, प्रत्या मारने के दौड़ी है, सुदर्शन चक्र आया है और प्रत्या के जैसे कि दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ा है। अंत में भगवान ने भी भेजा कि जाओ नहीं जाओ, तो अम्बरीश की शरण में आए हैं। अम्बरीश ने प्रार्थना की है, सुदर्शन चक्र समन हुए हैं। ये कथा हमारे और आपके लिए, एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने का मतलब क्या है? बादाम का हलवा सवेरे, नमकीन काजू, पनीर के पकौड़े, बादाम पिसा हुआ केसर का, थोड़ी रबड़ी, खराब है ना। दोपहर का भोजन अलग, सायंकालीन टी, डिनर में, इसका नाम एकादशी है। हम उपदेश देने के अधिकारी इसलिए नहीं है कि यहां काम ऐसे ही थोड़ा होता है, इसलिए हम कुछ कहें नहीं। जिसको जो ठीक लगता है वो करो, जो निर्जला करते निर्जला करो, जो फलाहार करके फलाहार करो, दूध फल से करते वो करो, जो उसको जो समझे ठीक करो। असली चीज क्या है? दुर्वासना तुमको विचलित न करने पाए। दुर्वासना का प्रवेश कहां से होता है? कुदर्शन से। वासना कहां से आती है? जब दुर्दर्शन करोगे। सुदर्शन तुम्हारी दुर्वासना को नष्ट करे, तब तुम्हारी एकादश इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं, इसका नाम एकादशी कर्म। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और छठवां मन, पांच पांच दस और ग्यारह, इनके ऊपर नियंत्रण करने का नाम एकादशी। विष्णु के उपासक को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अम्बरीश अपने आप द्वारिकानाथ की सेवा करते हैं, मंदिर अपने आप साफ करते हैं, भगवान का श्रृंगार स्वयं करते हैं, राजा होकर। ये अभिमान नहीं है कि मैं राजा हूं तो मेरे नौकर क्या करेगा। वैष्णव को एकादशी अवश्य कर, अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित करना चाहिए। कैसे? सुदर्शन से। सुदर्शन कौन देता है, भेजता है? कुकृत्य को कौन दूर करता है? भगवान। भगवान सुदर्शन देते हैं रक्षा करने के लिए, हमारा पतन होने पर। आंखों में सुदर्शन, कानों से, हमारे यहां इसको दर्शन ही कहते हैं, कान जिसे प्रमा की उपलब्धि होए, ज्ञान होए, उसे दर्शन ही कहें। तो कान शुद्ध सुने, नाक शुद्ध सूंघे, रसना शुद्ध बोले, खाए, वाणी शुद्ध बोले, इन समस्त इंद्रियों में नारायण को, द्वारिकानाथ को बैठा लो, सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करेगा। कुकृत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, दुर्वासनाएं नष्ट हो जाए। इसी में फिर मानधाता, शौभरी इत्यादि हुए, इनके वंश में आगे चल के महाराजा सगर हुए, जिन सगर के घोड़े को उन्होंने ले गया, उनके घोड़े को बचाने के लिए सगर पुत्र गए और कपिल को कुछ गंगा सागर के तट पे बैठे थे, उनको कुछ उत्पटांग शब्द कहे, क्रोधाग्नि में दग्ध हो गए। फिर केशरी नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान।
अंशुमान फिर गया है और उसने कपिल जी से प्रार्थना की है, उनका बेटा कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार तो केवल गंगा जल से ही होगा और गंगा को तुम लोग बुलाओ और ये रख ले जाओ, घोड़ा ले जाओ। तो फिर गंगा जी के लाने के लिए और फिर कई पीढ़ी तक प्रयास करना पड़ा। अंशुमान का राज्याभिषेक हुआ, सगर जी बंधन मुक्त हो गए। अंशुमान ने प्रयास किया, गंगा जी नहीं आ पाए और कई पीढ़ी तक प्रयास में अंत में भगीरथ आए। भगीरथ ने बड़े प्रयास के साथ श्री गंगा माता को इस धरती पर बुलाया है और उनके कारण 60,000 सगर पुत्रों का कल्याण हुआ और हमारा आप सबका भी कल्याण हुआ। महापुरुषों की प्रत्येक कमी हमारे मंगल के लिए होती है। भगीरथ के वंश में और आगे सुदास हुए हैं और इसी में रघु आज और दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ जी के ही 4 पुत्र हुए, उनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र श्री दशरथ जी को प्राप्त हुए हैं गुरु जी के पास। एक बार दशरथ जी के मन में गिरानी हुई, मेरे पुत्र नहीं है। गुरु के यहाँ गए, गुरु ग्रह गए, तुरंत महिपाला और उनसे प्रार्थना की। गुरु ने कहा वो तो एक पुत्र के लिए गए। गुरु का धरो धीर हुई है सुत, एक मांगने का 4 आशीर्वाद। ये एक बार गुरु के शरण में आ गए, फिर दशरथ जी ने कुछ किया है ऐसा वर्णन नहीं आता है। संगी ऋषि दशरथ ने बुलावा, किसने बुलावा? वशिष्ठ। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और यज्ञ कौन किया? पुत्र काम शुभ यज्ञ वशिष्ठ ने कहा। प्रेम सहित आहुति कौन दिए? मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु का। और वो चरु किसके हाथ में दी? गुरु के हाथ में। गुरु ने तब जब फल आ गया है तब ले और जा करके अपनी रानियों में यथा योग्य पा। 100% अगर गुरु की शरणागति कोई कर ले तो भजन करने की भी जरूरत नहीं है। गुरु कहता है तू बैठ मौज कर, तेरे लिए माला मैं जब तुम्हें, तेरा उद्धार हो गया। देखो ये श्रीमद् भागवत में रामचरित्र को 3 अध्याय हैं और हमारे संत लोग तो बस आदव राम तपोवनाधिगमनम हत्ता प्रगत कांचनम वैदेही अर्णम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम जटायुमरणम सुग्रीव पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम। हमारे संत लोग और शाद करते हैं, तीत्वा मोहानवम हत्वा काम क्रोधादि राक्षसम शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। आत्मा की पत्नी है शांति। हमारी शांति कैसे भंग होती है? काम और क्रोध से। ये काम और क्रोध रूपी राक्षस रावण और कुंभकर्ण हमारी शांति को छीन ले जाते। आत्मदेव को तपस्या करके काम और क्रोध को असंकल्प से काम को नष्ट करो। काम जानानि ते मूलम संकल्पा खरु जायते। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, अगर संकल्प नहीं करोगे तो काम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। काम क्रोध को नष्ट करोगे तो आत्मा रामो विराजते। राम का चरित्र मार्गदर्शक कथा आप सबको मालूम है लेकिन उसका प्रभाव हम लोग समझ लें, इससे सबको सीख ले। किसमें अपना पद रखना है, मनोमालिन्य का क्या तात्पर्य होता है, ये सब हमको सीख जाते।
रामायण के सात कांड हैं। बाल कांड का मतलब है बालक जैसे निर्दोष बनो, बालक को कुछ भी दे दो वो मान अपमान से किसी प्रभावित नहीं होता है, निराभिमानी होता है, छल कपट रहित होता है। बालक जैसे निर्विकारी हो जाए तो तुमको राम मिलेंगे, मन की और चित्त को विकृति से बचो। बालक कभी किसी को कुदृष्टि से नहीं, बालक कभी किसी को दुर्दृष्टि से नहीं, बालक जैसी पवित्र दृष्टि रखो, तुम्हारे सामने अनसुईया नंगी होती नहीं। अयोध्या कांड माने क्या है? नयोध्या इत अयोध्या, युद्ध नहीं करो भाई भाई का, माता पिता का। मनुष्य निर्विकार बनेगा तब उसके यहां मानसिक युद्ध नहीं। सारे काम क्रोध के कारण ही तो युद्ध होता है, द्वंद होते हैं। तो ये द्वंद नष्ट कैसे होंगे जब सरयू रूपी भक्ति के तट पे विराज होते, भक्ति का आश्रय करोगे तो ये तुम्हारे राग द्वेष ये सब के सब नष्ट हो जाए। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। भरत का प्रेम देखो, राम का केकई के प्रति प्रेम देखो, लक्ष्मण का राम जी के प्रति प्रेम देखो, कितने प्रेम बताएं। सुमंत का प्रेम देखो, मल्लाह का प्रेम देखो, निषाद का प्रेम देखो, अयोध्या कांड प्रेम का मार्ग दिखाता है। राम की सी निर्विकारिता के दर्शन सबसे पहले यही होंगे, पहले घर के व्यक्तियों में राम के दर्शन। भरत की कथा सुनकर के आंसू बहाने वाले और घर में जाते ही भाई के ऊपर मुकदमा दायर करते हैं, इसने मेरे घर की तरफ खिड़की क्यों खोली है, क्या फायदा हुआ भरत चरित्र में आंसू बहाने का। घर में तुम्हारे राग द्वेष भरा पड़ा है और बाहर तुम सुमति का उपदेश देते हो, पहले घर के अंदर सफाई करो तब बाहर सफाई। घर में निर्विकार बनो। अरण्य कांड हमको निर्वासन बनाता है। निर्वैरता के बाद भी वासना की गंध रह जाती है। अरण्य में जाके तपस्या करके कभी कभी एकांत में जाके घर द्वार छोड़ करके तपस्या करो, महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए चले गए, भ्रमण के चले गए, ऋषि के चले गए, फिर मोबाइल फोन और ये सब पटक दिए, अरण्यवास करो, तुम्हारी अंदर की सूक्ष्म वासनाएं नष्ट होंगी, जीवन में दिव्यता है। पहले तपस्या और फिर राज। किष्किंधा कांड का मतलब क्या है? वासना विनाश के बाद भगवान राम के साथ मैत्री होगी। वासना रहते हनुमान की प्राप्ति नहीं होगी। हनुमान जी माने ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक है। जिनकी वासना नष्ट होती है, ब्रह्मचर्य और संयम सहायता करता है, तो फिर भगवान राम से मैत्री हो जाती, संबंध बनता है। कई जन्मों से कोई तो रिश्ता, जब रिश्ता हो जाएगा तब सुंदर कांड में प्रवेश। ईश्वर से मैत्री करने से जीवन सुंदर हो जाता है। जिसका जीवन सुंदर है उसी का चरित्र सुंदर होगा, उसका दर्शन सुंदर होगा। सीता पराभक्ति है, जिसका जीवन सुंदर है उसको पराभक्ति सीता के दर्शन। सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर ही ब्रह्मचर्य के द्वारा राम का आश्रय के प्रभाव से भयंकर समुद्र को भी तैर गए। बाधाएं आएंगी, सुरसा आएंगी, मैनाप आएंगे, लेकिन फिर भी रस भोगने की आशा कभी तृप्त न हो पाए इसको तब समुद्र पार करोगे, माता जी के दर्शन। लंका कांड है, जीवन भक्ति पूर्वक सुंदर हो जाए काम तब स,
संपूर्ण रूप से मरता है। रावण काम और क्रोध के परिचायक हैं, जिनके जीवन में भक्ति आ गई, जिनका जीवन संयमित हो गया है, वही क्रोध और काम को मार पाएंगे और सीता के साथ शांति से आनंद लेंगे। उत्तरकांड में जिसके पास सीता आ गई है उसे तो मुक्ति प्राप्त, शांति ही तो मुक्ति है, मुक्ति ही शांति है, राक्षस का नाश हुआ है। उत्तरकांड में भक्ति की कथा आती है, जो एक क्षण भी भगवान से विभक्त न हो वस्तुतः वही भक्त है। ये उत्तरकांड की कथा है, रामचरितमानस की कथा हमारे जीवन में आवे। लेकिन चलो राम जी का कम से कम जन्म तो हम लोग गा लें, जब राम आएंगे तभी तो श्याम। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब आया है तब भय प्रगट कृपाया, निर्मित तनु माया।
हम माता पिता से किस तरह प्रेम करें, कैसी उनकी आज्ञा माने, कैसी सौतेली माता की बात को भी असली माता की अपेक्षा महत्व दें, कैसे भाइयों से प्रेम करें, कैसे ऋषियों से सत्संग करें, छोटे भाइयों से क्या व्यवहार हो, अरे और शत्रुओं से क्या व्यवहार, अपने सेवकों से क्या व्यवहार, अपने अंगतों से क्या व्यवहार हो, ये सब की सब शिक्षा हमको रामायण है। श्रीमद् भागवत में राम जी के बाद 30 पीढ़ियों की और कथा। फिर रामचरित्र के बाद विदेह चरित्र का वर्णन है। राजा निमि ने गुरु वशिष्ठ की कृपा से ज्ञानी हो जाने के कारण विदेह की पत्नी प्राप्त। इनके वंश में विदेह अशरीरी हो गए, उनका जो वंश चला वो निमि वंश अथवा चंद्रवंश से नाम प्रसिद्ध हुआ। चंद्रवंश में विश्वामित्र हुए, परशुराम सहस्रार्जुन हुए, जिन्होंने रावण जैसे पराक्रमी को भी जय श्री कृष्ण किया है। ये चंद्रवंश मना प्रधान है और सूर्यवंश बुद्धि प्रधान, इसीलिए कृष्ण लीला में भाव प्रधान। भगवान सौर और चंद्र दोनों वंश में प्रकट हुए, सूर्यवंश में राम और चंद्रवंश में हमारे श्याम। तो भगवान को चाहे मन से प्यार करो और चाहे बुद्धि से विचार करो, भगवान की प्राप्ति विचार और प्यार दोनों से उपलब्ध हो सकती। तो इस चंद्रवंश में अनेकों राजाओं का वर्णन आया है, जमदग्नि, परशुराम, ययाति, इन सब का वर्णन आया, देवयानी, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, इन सब की कथा आकर के देवयानी से यदु, दुर्वसु पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से दुर्यु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र हुए। इन्हीं यदु महाराज के वंश में हमारे यदुराज उत्पन्न। ययाति में भोग और वैराग्य दोनों का हमने दर्शन किया। भोग तो इतना है कि पुत्र की जवानी लेकर के भोग भोगते हैं और जब वैराग्य हुआ है तो पुरु को राज्य छोड़ करके उसकी जवानी भी लौटा दी और जंगल में चली। इसी में महाराजा दुष्यंत की कथा है, उनके पुत्र भरत का और रत्न देव का भी चरित्र आया है, जिन्होंने अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अतिथियों को भोजन करा दिया है। और इन्हीं राजा रंतदेव के वंश में ज्यामघ राजा हुआ है, वहां की राजकुमारी भोज्या को सब कथाएं आती हैं। ज्यामघ, देखो एक चीज बताओ, अभी मैंने कहा था ना, एक जने अपनी पत्नी की बड़ी सेवा करते हैं, जैसे पति की सेवा करने से पत्नी का कल्याण होता है ना, वैसे पत्नी की सेवा करने से भी कल्याण होता है। ये ज्यामघ की कथा मैं सुना रहा हूं। ज्यामघ एक राज्य में युद्ध करने गए और वहां के राज जीत गए और राजकुमारी बड़ी सुंदर लगी, उसको रथ पे बैठा के ले आए। पत्नी ने देखा है जहां मैं बैठूं किसको बैठाया है, ये कौन है। ज्यामघ अपनी पत्नी से बहुत डरता है, किसको ले आया जहां मैं बैठता हूं, तो मैं तुम्हारी पुत्र वधु बनाने के लिए लाया हूं, बहू, अरे बेटा कभी हुआ नहीं, बहू तो ले आया है, कहां बेटा। तो जब देखा कि इतना पत्नी व्रत है तो देवताओं ने बड़ी कृपा करके इनकी पत्नी भक्ति से देवता बहुत प्रसन्न हुए, जैसे पति की भक्ति से पत्नी का कल्याण होता है वैसे पत्नी की भक्ति से भाई पति का भी कल्याण होना चाहिए। और देवताओं ने शैव्या को एक जवान पुत्र दे दिया और उसका उस कन्या से विवाह हो गया, बिना ही उसके डिलीवरी हो गई। तो इसलिए आप लोग यही हरदम कहते हो तो आप लोग भी ट्रेनिंग ले लो, तुम्हारे पक्षी बात हमने कर दिया, हमारी रोटी का ध्यान रखना।
देखो, पति के रूप में भी परमात्मा की सेवा करनी है और पत्नी के स्वरूप में भी पराम्बा भगवती ही आप। स्त्रिया समस्ता सकला जगत स्वरूप तो यही कया पूरी तम बनी तक। जब सृष्टि हुई थी